पुणे के बोबदेव घाट इलाके में 21 साल की बच्ची पर तीन लोगों ने जो है वो रेप किया गया है। जिस जगह पर कल रात को ये घटना घटी थी उसी घटना स्थल पे अभी हम आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुणे पुलिस की दो टीम, जो फॉरेंसिक टीम है या पुणे पुलिस का डॉग स्क्वाड है, वो ये स्पॉट पे अभी मौजूद है। पुणे पुलिस की तरफ से जो आरोपी है उनको ढूंढने के लिए 10 टीमें जो अलग अलग तैनात जो है की गई है। पुणे पुलिस के सभी बड़े अधिकारी अभी ये स्पॉट पे मौजूद है। स्पॉट पे से कुछ एविडेंस मिलते हैं क्या, ये पुणे पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। पुणे शहर से कुछ ही अंतर पे ये बोबदेव घाट है। कल रात एक 21 वर्ष कॉलेज में पढ़ने वाली जो बच्ची है वो यहाँ पे अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी और उसी जगह पे जो दोस्त है उसको मारपीट भी जो आरोपी है उनकी तरफ से की गई और बाद में जो 21 साल की लड़की है उसको जो है रेप किया गया है। अभी पुणे पुलिस जो है पुणे पुलिस का सर्च ऑपरेशन यहाँ पे शुरू है। कुछ एविडेंस इस स्पॉट से मिलता है क्या, ये पुणे पुलिस देखने की कोशिश कर रहे हैं। सभी यहाँ पे और सुबह से तगड़ा बंदोबस्त जो है पुणे पुलिस की तरफ से इस स्पॉट पे लगाया गया है। तीन आरोपी है जिनकी जानकारी पुणे पुलिस को मिली है और उनको ढूंढने के लिए पुणे पुलिस की ओर से 10 टीमें जो है वो पूरे शहर में भेज दी गई है। जो इस इलाके के सीसीटीवी है वो भी पुणे पुलिस की तरफ से चेक किए जा रहे हैं। और जहाँ पे कल रात को ये दर्दनाक हादसा हुआ वहाँ पे अभी पुणे पुलिस की फॉरेंसिक टीम और जो डॉक्टर टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई नजर आ रही है। उनके साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है, जो फॉरेंसिक की है, डॉग स्क्वाड है और इस तरह की जो टीम्स हैं वो सब भी इस काम के लिए लगाई गई हैं और हर टीम जो है सो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है और हमें जो है सो लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है सो आरोपी निष्पन्न होंगे और उनके ऊपर जो है सो एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की प्राथमिक अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिला है। लड़की जो है कॉन्शियस है और जो है उसने स्टेटमेंट दिया है, उसके स्टेटमेंट के आधार पे FIR दाखिल करने का काम चालू है। अपहरण किया, मारपीट की, मतलब अपराधियों में कानून का कोई खौफ रहा नहीं। अपराधी जान गए हैं कि क्या कोई कर लेगा। ये सरकार उदासीन है, सरकार लापरवाह है, सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी बेधड़क घूम रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पावन पर्व में। कल ही नवरात्रि का पहला दिन हुआ, घट स्थापना हुई, हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, अपनी बच्चियों को, अपनी माताओं बहनों को हम शक्ति कहते हैं और आज ये घटना सुनने आ गई।